हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि UGC ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है, इसमें बताया है कि अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस गाइडलाइंस में क्या बताया गया है, आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है, कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। यानी UGC ने जो यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसका फैसला उन्हीं के हाथों पे सौंप दिया है। अब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना चाहें तो ऑफलाइन ले सकते, या वो अपने स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहें प्रमोट भी कर सकते हैं। ये सारा फैसला उन्हें खुद लेना है। इसके बाद वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। अब किसी एरिए में ज़्यादा कोविड की सिचुएशन ख़राब है और किसी एरिए में कोविड की सिचुएशन कम है, इसलिए एरिए को देखते हुए जो विश्वविद्यालय हैं वो अपना अपना फैसला खुद ले सकेंगे। हालांकि जब तक जो स्थिति है, इसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर यानी फाइनल ईयर को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने UGC की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइंस को आधार बनाया है। जैसा कि लास्ट ईयर UGC ने जो गाइडलाइंस दी थी उसके मुताबिक UGC के सचिव डॉक्टर रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। यहाँ पे बताया गया, ऐसे में उन्हें परीक्षाओं और शैक्षणिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। UGC का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज़्यादा भी है, ऐसे में परीक्षा को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। इस बीच विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो अगर गाइडलाइंस की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, तो उन्हें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं या फिर जो उनके असाइनमेंट हुए हैं, तो उनके आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इसकी तैयारी शुरू की गई है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है, साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो हैं, जो लास्ट ईयर की जो परीक्षाएं हैं, उसे जुलाई अगस्त में कराने की योजना भी बनाई जा रही है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया है, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला अभी नहीं आया है। इसके लिए जो भी फैसला आएगा वो जून के पहले हफ्ते में कोरोना की स्थिति, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए लिया जाएगा। इसके बाद तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जिसमें आपको बताया गया है कि UGC की जो नई गाइडलाइंस है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोरोना की सिचुएशन, कोविड की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है, तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनके असेसमेंट यानी असाइनमेंट या फिर लास्ट ईयर के जो उनके एग्ज़ाम हुए थे, उसके आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं तो उनका डिसाइड किया जाएगा जून के फर्स्ट वीक में कि उनके एग्ज़ाम लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बिग न्यूज़ जो कि UGC ने जारी की है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें और अपना डाउट क्लियर करें। धन्यवाद।